हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम प्रज्ञा लॉ क्लासेस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके बारे में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजन भी आए हैं, जिसमें से एक ममता बनर्जी का था, जिसमें एक बीजेपी की जो एक नेता थी उन्होंने कुछ मेम्स बनाए थे, और दूसरा रिसेंटली अभी आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में एक तथाकथित न्यूज़ चैनल ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट्स किए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि आर्टिकल 19 में आखिर क्या क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 19 में ओरिजिनली तो 7 तरह की स्वतंत्रताएँ दी गई थी, जिसमें से एक जो स्वतंत्रता है वो अब नहीं रही है, वो केवल एक मतलब वो फंडामेंटल राइट नहीं रही है, केवल एक जो नॉर्मल राइट वो है। तो 6 तरह की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी हुई हैं, जिसमें से आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल 19(1) कहता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, और क्लॉज इसका ए कहता है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भारत के सभी नागरिकों को बोलने की या अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। तो आर्टिकल 19 में बड़ी साफ सी चीज है कि केवल भारत के नागरिकों को ही, ये जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं 6 तरह की, वो केवल भारत के नागरिकों को ही मिलेंगी, और ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, कौन कौन से ग्राउंड हैं, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, पब्लिक ऑर्डर या फिर लोक व्यवस्था, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब न्यायालय अवमानना, मानहानि या इंसाइटमेंट ऑन टू एन ऑफेंस, और नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता और अखंडता। तो ये 8 पॉइंट हैं, इन आधारों पर आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कम की जा सकती है या फिर छीनी जा सकती है। आर्टिकल 19(1)(a) में जानने का अधिकार भी है। तो अब हम कुछ केसेस देखेंगे, लैंडमार्क केस देखेंगे, जिसमें से एक है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, और इस मामले में एक PIL फाइल की गई थी और कोर्ट ने यहाँ पर ये माना कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना, पहले क्या था कि जो नेशनल फ्लैग कोड है उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, मतलब अगर मैं चाहूँ तो अपने घर पर मैं राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकता था, और उसके भी बहुत जो स्कूल्स फहरा सकते थे या सरकारी विभाग फहरा सकते थे केवल राष्ट्रीय ध्वज को हमारे, तो इन्होंने ये कहा कि ये हमारा ये जो राइट है वो आर्टिकल 19(1)(a) में इंक्लूड होना चाहिए या इंक्लूड है। कोर्ट ने इनकी बात को मान लिया कि अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराना आर्टिकल 19(1)(a) में आता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो प्री सेंसरशिप है प्रेस की, वो भी इसी आर्टिकल में कहा है कि प्री सेंसरशिप जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) का वॉयलेशन करती है। किसी भी तरह की प्री सेंसरशिप, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, प्री सेंसरशिप का मतलब है कि मान लीजिए मैं कोई न्यूज़पेपर चला रहा हूं या मैं कोई टीवी पर कोई प्रोग्राम मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, तो पहले वो रिकॉर्डिंग मुझे सरकार के पास पहुँचानी होगी और उसके बाद वो उसको ओके करेंगे तब वो पब्लिश होगी। तो इस तरह का कोई भी नियम सरकार नहीं बना सकती है, और अगर बनाएगी तो वो आर्टिकल 19(1)(a) का वॉयलेशन माना जाएगा। एक और केस है साकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इस बात को चैलेंज किया गया, इस जो एक एक्ट था, ऑर्डर था 1960 का, उसमें क्या था कि न्यूज़पेपर की जो पेजेस की जो संख्या है वो फिक्स कर दी गई कि जी आप इससे ज़्यादा पेजेस
नहीं आप रख सकते हैं, और आप जो प्राइस है अखबार का वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो उनके पृष्ठ हैं, जो पेजेस हैं, वो नहीं बढ़ा सकते। तो इससे क्या प्रॉब्लम आई, देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, न्यूज़पेपर को चलाने के लिए एड की, विज्ञापन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब अगर आपके सामने ये फिक्स हो जाए कि जी 10 पेज हैं या 5 पेज हैं और इसमें ही आपको एड भी लगाना है, कोई भी महत्वपूर्ण जो खबर है वो भी नहीं छूटनी चाहिए, तो ये कोर्ट ने माना कि इस तरह का इस ये जो आदेश है ये आर्टिकल 19(1)(a) का वॉयलेशन करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हून, जो कि बैंडेड क्वीन के नाम से एक, आपको याद होगा एक फिल्म आई थी बैंडेड क्वीन, और कोर्ट ने उसको, सॉरी सेंसर बोर्ड ने उसको ए सर्टिफिकेट दिया था। दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं फिल्म के, तीन तरह के होते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट और यूनिवर्सल अडल्ट एक साथ, तो उसको ए सर्टिफिकेट दिया गया। ए सर्टिफिकेट का मतलब है कि केवल वयस्क ही जो मेजर हैं वही उसको, उस फिल्म को देख सकते हैं। तो इसमें फूलन देवी की कहानी थी जो बाद में सांसद बनी और उनकी हत्या हो गई थी, तो इस फिल्म को रोकने के लिए एक याचिका फाइल की गई थी, और फिल्म की कहानी ये थी कि एक जो गांव की महिला थी उसके साथ रेप किया जाता है। तो फाइनली शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड ये किया कि उस कहानी की मांग थी उस उन दृश्यों को दिखाया जाना, इसीलिए कोर्ट ने जो उनकी याचिका थी कि इसको रोक दिया जाए, जो सर्टिफिकेट दिया है उसको रद्द कर दिया जाए और फिल्म के प्रदर्शन को रोक दिया जाए, वो याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद एक और केस है मोहम्मद अजमल और मोहम्मद आमिर उर्फ अबू मुजाहिदीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये ऑडिटर के रूप में, प्रासंगिक रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। आप ये है मुंबई अटैक के बारे में, तो यहाँ बात ये थी कि जो मुंबई अटैक जिस समय चल रहा था, और स्क्रीन मतलब ये फैक्ट आपके सामने भी आया होगा कि जब मुंबई अटैक चल रहा था तो उस समय जो हैंडलर थे जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे उन आतंकवादियों के, वो लोग यहाँ से सीधा लाइव हमारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे सारी कार्रवाई की, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, और वो लोग वहाँ पर देखकर उन जो आतंकवादी थे उनको वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जिससे कि ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला और जो नुकसान है हमको वो ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ कि जो इस तरह की जो मामले हैं वहाँ पर आपकी जो ये फ्रीडम है उसको लिमिटेड किया सकता है, मतलब ऐसे मामलों में आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए और लाइव टेलीकास्ट आपको नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन दो चीज़ें हम इसमें, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, एक तो जो बंगाल में मामला हुआ और जो यूपी में मामला हुआ, दोनों मामलों में ये बात मानी गई कि जो आर्टिकल 19(1)(a) है वो एब्सोल्यूट नहीं है। गिरफ्तारी तो दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो राइट है हमारा बोलने का, जो राइट है, मैं इसको रिलेट करूंगा जो दिल्ली में जो हुआ था कि जो नारे लगे थे जेएनयू में, तो वहां भी कह रहे थे जी बोलने का अधिकार है, लेकिन हमारी एक आदत है कि हम सिर्फ देखते हैं कि राइट क्या है, हम ये नहीं देखते कि हमारी ड्यूटी क्या दी हुई है 51(a) में, और हम ये भी नहीं देखते कि रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। मैं अगर मुझको बोलने का अधिकार है तो क्या आप समझ सकते हैं कि मुझको ये अधिकार है कि मैं आपको गाली दूं या किसी व्यक्ति को गाली दूं या कुछ भी कहूं किसी के बारे में भी। उस पर 8 जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, हमको जब हम आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ते हैं तो हमको उन 8 रेस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 19(2)(2) में दी हुई हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बने रहिए प्रज्ञा लॉ क्लासेस के साथ। थैंक यू।